फ्रेंड्स, एक बार एक महात्मा बाजार से होकर गुजर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति खजूर बेच रहा था। उस महात्मा के मन में विचार आया कि खजूर लेनी चाहिए। महात्मा जी ने अपने मन को समझाया और वहां से चल दिए, किंतु महात्मा जी पूरी रात भर सो नहीं पाए। अगले दिन वह विवश होकर जंगल में गए और जितना बड़ा लकड़ी का गट्ठर उठा सकते थे उन्होंने उसे उठाया। उस महात्मा जी ने अपने मन से कहा कि यदि तुझे खजूर खानी है तो यह बोझ तुझे उठाना ही पड़ेगा। महात्मा जी थोड़ी दूर चलते फिर गिर जाते, फिर चलते और फिर गिरते। उनमें एक गट्ठर उठाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उन्होंने लकड़ी के भारी भारी दो गट्ठर उठा रखे थे। दो ढाई मील की यात्रा पूरी करके वह शहर पहुंचे और उन लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिले उससे खजूर खरीदने के लिए जंगल में चल दिए। खजूर सामने देखकर महात्मा जी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। महात्मा जी ने उन पैसों से खजूर खरीदे, लेकिन महात्मा जी ने अपने मन से कहा कि आज तूने खजूर मांगी है, फिर तेरी कोई और इच्छा करेगी। कल अच्छे अच्छे कपड़े और स्त्री मांगेगा। अगर स्त्री आई तो बाल बच्चे भी होंगे, तब तो मैं पूरी तरह से तेरा गुलाम ही हो जाऊंगा। सामने से एक मुसाफिर आ रहा था, तब महात्मा जी ने उस मुसाफिर को बुलाकर उसे अपनी वह सारी खरीदी हुई खजूर उस आदमी को दे दी और खुद को मन का गुलाम बनने से बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, यदि हम सब मन का कहना नहीं मानेंगे तो इस जीवन का लाभ उठा पाएंगे, और यदि जीवन में मन की सुनेंगे तो मन के गुलाम बनकर रह जाएंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।